अभी इधर मैं आया हूँ तो काशिफ भाई लोग अच्छा लग रहा हूँ, मैं कैसे बढ़िया लग रहा हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग हमारा इन बच्चों से शुरू हो रहा है और ये डक्की भाई का फैन है, ये भी डक्की भाई का फैन है और ये हमारे फैन है। तो कैसे हो भैया हर कोई? अच्छा पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अलजा कुरैशी। आपका नाम? सारिम। आपका नाम? अनिल। आपका नाम? अस्मारा कुरैशी। अस्मारा कुरैशी भाई, ये देखो इन्होंने कितनी जल्दी अपना नाम बता दिया। और आप लोग क्या अपना क्या मैसेज देना चाहोगे यूट्यूब पे? मैं देना चाहूंगी कि आप लोग इनकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जो बेल है ना कुछ ठंडे मारे ताकि सबके पास वीडियो टाइम से पहुंच जाए। आप कुछ बोलोगे? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, आप डक्की भाई को सलाम भेजोगे? डक्की भाई के वो भी फैन है बड़े, नहीं भेजोगे? हम तो कोई और देखते हैं। कौन सा कौन सा देख? ओए टेक्नो गेमर इंडियन, सही है भाई सही है। चलो उसको भी सलाम ठोक दो यहीं से। चलो अभी चलो ठीक है ठीक है। चलो अभी सब बाय बाय कर दो आप सब मिलके। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैर वाफियत होंगे। अच्छा जितने भी नए लोग हैं कैंडली हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइज अभी जो ना मैं व्लॉग यहीं से शुरू कर रहा हूँ, आज कोई नए इलाके में आए थे। यार ये कौन सा इलाका है कुरैशी भाई? रवात में आए थे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इलाका है और आज इनके घर पे रुके तो हम लोगों ने ना जो है ना यहाँ से नाश्ता किया और क्या ही ज़बरदस्त नाश्ता कराया कुरैशी भाई ने। बहुत शुक्रिया भाई आपके नाश्ते के लिए भी। यार ये इन्होंने एक कैमरा लगाया, मुझे इन्होंने बताया वो सामने लगा हुआ ना, तो बहुत ज़बरदस्त है। अभी घर वहाँ पर जाके हमने भी यही लगवाना है। तो इन्होंने ये देखें ये जो ना इसके ऊपर मैंने ज़रा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है कि ये लगवा वो लगवा डिवाइस लगवा वो लगवा, डायरेक्ट कैमरा और एप्लीकेशन है इसकी। तो चलो भाई ये भी आ गए, चले फिर। ये तो यार अभी हम लोग जा रहे हैं केक कॉर्नर पर, वहाँ से हम लोग उठाएंगे केक, फिर चलेंगे सतालों घर, फिर अपनी वो यार मेरे कपड़े वपड़े पड़े ना इधर, ये ना होकर फिर से हमें टिप पड़ जाए। तो वहाँ से जो ना गाइस हम लोग अच्छा अच्छा तो वहाँ से जो ना हमने केक उठाना है, फिर घर चलना है, फिर तैयारी करनी है और बस 2-3 घंटे फिर वहाँ पे पहुँचना भी है हमें। तो गाइस ये रहा केक कॉर्नर जो कि GT रोड पर है और अभी अंदर चलते हैं अपना केक उठाते हैं फिर वापस चलते हैं। गाइज ये देखें हमारा जो ना केक अभी यहाँ पर रेडी हो चुका है, माशाल्लाह सितारा यासीन ये सब कुछ। और ये देखें बस ठीक है उसको पैक कर दे। और ये देखें गाइज यहाँ पर इनके पास में सारे आइटम पड़े हुए, मिकी माउस और ये डोरेमोन भी पड़ा हुआ भाई साहब, सारे मतलब यहाँ पर आप कोई भी ऑर्डर देंगे आपको एक ही रात में काम हो जाएगा। टॉम एंड जेरी भी है, ये रहा सबसे बेस्ट जनक टॉम एंड जेरी। थोड़ा किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो खैर बहुत अच्छा लगा यार ये वाले बहुत प्यारे पड़े हैं, आप भी बना दे। आपके भी बनाएंगे ना भाई? इसके भी भाई इसको ना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ठीक है। तो गाइज ये रहा केक कॉर्नर जहाँ से हमारे जो ना बन चुके हैं, बस पूरा पैक हुई, इसको अभी आराम से उठाना पड़ेगा, ये ना हो के गाड़ी में तो खुद ही रख लेंगे, आपने बना दिया आपकी यही मेहरबानी है। चलो भैया तो गाइस आगे चल रहे हैं और यहाँ से आपको घी वगैरह सब कुछ मिलता है इनके पास, मतलब सारी। एक मिनट मैं खोलता हूँ आ जाओ चलो। चलो भाई तो गाइस बंदे अच्छे थे जैसे हमने बोला था वैसा हुआ और केक भी इनका सस्ता है, जैसे मतलब 4 पाउंड का 5 पाउंड का ये हमें पड़ा 4.5 का, तो दूसरी जगह पे बहुत ही ज़्यादा महंगा बता रही एक्सपेंसिव बता रहे थे। एक मैं गाइस इन कपड़ों को आ जाती ये इधर हो जाए, आ जाओ भाई आए हाय। तो यार ये देखें अभी पूरा आ गया ना, ये है केक कॉर्नर स्वीट सर बेकर्स। तो साथ में कौन सा पंप है, कौन सा पंप है ये? साथ में हैस्कोल का वो पंप है, हैस्कोल का पंप है। रोड कौन सा है? रोड कौन सा? मेन GT रोड, मंदरा रोड, रवात मंदरा रोड पे। मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों जैसे टेंशन मतलब परेशानी होती है कि भाई केक बनवाने की फ़ोटो लगवाने की, ये आप बच्चों का फोटो वो भी लगा देते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा इसलिए हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको अगर कभी कुछ चाहिए तो ये बहुत अच्छा मिल गया हमें, क्योंकि कल जो ना हम लोग साजिद भाई और हम लोग जो ना उधर घूमे ना क्या नाम बोलते हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में तहजीब पे गए जा रहा है, बहुत बड़ी बेकरी है वो, उनको तो समझ ही नहीं आई भाई, बोलते हैं यार फोटो दो ये करो वो करो, तो बहुत इनको सिर्फ दिखाया और बोले कलास काम हो गया आपका, जा भाई तेरा काम हो गया, कल आगे ले जाता बन केक तेरा। अभी देखो इन हमें
इनसे क्या बोला, 3 बजे का बोला था ना, 3 बजे का बोला, 3 बजे का बोला था, लेकिन हम लोग 12:30 1 बजे लेके जा रहे हैं इनसे, तो पहले का ही तैयार पड़ा था, तो ये सर्विस की बात है ना। तो खैर जो हुआ है अच्छा हुआ है, अभी आगे चलते हैं, मैंने तैयार भी होने, सुनने में कि मामी वाले भी आए हुए हैं, मामू वाले भी आए हुए हैं, तो सबसे चल के मिलते हैं उधर। तो अभी तक मैं उनसे मिला नहीं क्योंकि मैं आज इन्हीं के पास था, इरफान भाई के साथ। तो बस घर चलते हैं, बाकी फिर जो आगे शेयर करते हैं, फिर शाम को पार्टी भी है भाई साहब। खैर अभी हम लोग गुजरे थे गीगा मॉल से, जो कि हमेशा हर कोई बनता है भाई, इसमें जो होके जाना, हर बार होके जाते हैं, इस बार छोड़ देते हैं, और बहुत मज़ा आ रही है। अबे भाई हट जा, साइड पर हो जा, बच गया। तो गैस अभी हम लोग यहाँ से ना सीधा चलते हैं, और ये जगह देखे ना मुझे थोड़ी थोड़ी सौदा की जाती है। आपको आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे भी घर के साथ साथ में पहाड़ियाँ होती हैं, तो बंदे को ना वही फीलिंग आ जाए यहाँ पर भी, लेकिन ये जगह पर ना थोड़ी गाय में भी है, तो थोड़ा और अच्छा लगता है। तो गैस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, मतलब फुल जना कसा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रही कि पैंट ना गिर जाए, इस वजह से ना थोड़ा टाइट होकर चल रहा है उसको। मैंने बोलता हूँ कि भाई मेरी वीडियो बनाए, तो आपको ना पूरा लुक दिखाता है और कैसा लग रहा हूँ, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, आप लोग बताइएगा। बस बाल सेट नहीं कर पाए क्योंकि वो हवा वाली मशीन और वो थोड़ा काम रह गया था, खैर उसकी खैर है यार, इतना चलता है। बाकी मेरे ख्याल से हाँ भाई कैसा लग रहा हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हो, टिप टॉप लग रहा हूँ ना, हाँ टिप टॉप लग रहा हूँ, तो खैर आपको दिखाता हूँ, पूरा लुक दिखाता हूँ, मम्मी डैडी लग रहा हूँ आज। तो भाई देखें कुछ इस तरह से लग रहा हूँ, कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा हूँ, मेरे ख्याल से बढ़िया लग रहा हूँ। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कल हमने मैचिंग वैचिंग मिलाई है थोड़ा, कि भाई थोड़ा बन चुन के जाएँ, पहली बार ऐसे ही मैंने शर्ट अंदर किए, थोड़ा अजीब मुझे तो ऐसा लग रहा है खाली खाली घूम रहा हूँ जैसे नंगा बंदा घूम रहा है। तो खैर बाकी जो है अच्छा लग रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और बाकी अभी गाड़ी आ गई है, निकलते हैं आगे की तरफ, जबरदस्त मैं नीचे ना आ जाए। नहीं सही, काशिफ भाई वाले ना पूरी वीडियो शूट कर रहे हैं, चलते हैं इनसे भी मिलते हैं, और इनका जो ना व्लॉग बनाते देखते हैं क्या इनकी एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर आकर, क्या इनको खुशी हुई है यहाँ पर आकर, सब कुछ। तो भाई अभी इधर मैं आया हूँ, तो काशिफ भाई लोग जो ना यहाँ पर पार्क में एंजॉय करते हैं, और काशिफ भाई कैसे हैं? ये हमारा फैमिली पार्क है। हाँ फैमिली पार्क है भाई, ये फेमस पार्क है, ये यूट्यूबर का पार्क है। और कैसे हैं भाई आप? अच्छा वैसे हम लोग कल मिले थे, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए यूट्यूब पे फिर से सलाम दुआ कर रहे हैं। चलो और ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा भाई काशिफ भाई है, इनका बेटा है, ये इनकी वाइफ और ये इनकी बहन है, जिसको पहले देखा है इन्होंने यूट्यूब पे? नहीं, नहीं नहीं पहले नहीं देखा नहीं। और काशिफ भाई की बहन का भी इन्होंने अभी चैनल बनाया है। काशिफ भाई क्या नाम रखा है चैनल का? हिना खान। हिना खान जी, हिना खान व्लॉग जा बस, हिना खान। तो भाई हिना खान के नाम से रखा है, तो उसकी मेरे ख्याल से आप कम्युनिटी भी लगाएंगे ना जी। तो काशिफ भाई इसके इनके चैनल के ना कम्युनिटी लगाएंगे, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और इनको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक के कीजिएगा। और काशिफ भाई की जना मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई इनके जना सिस्टर को आप जितना हो सके, वैसे हमारी भी रिक्वेस्ट है कि इनको जितना हो सके सपोर्ट करें, क्योंकि नया चैनल अगर शुरू में ग्रो कर जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें अभी गैस हम सब जना तैयार हो गए हैं पार्टी वार्टी के लिए। नीचे नहीं वो दिखा रहा हूँ ना कि काशी बनेगा क्या है। नहीं अभी तो हम लोग पार्क में ना, अभी लोग तो चप्पल पहन के ना भाग चल रहा। नहीं अब मैं दिखाता हूँ चप्पल पहन के गया था। नहीं नहीं तो ठीक है भाई, तो बस अभी जना हम लोग थोड़ी देर तक निकलेंगे, वो भी लोग तो बाद में बनाते रहेंगे, अभी काशी भाई कोई तैयारी है, हम लोग ऐसे घूमने फिरने में, रात को भी आपको मिलेंगे इसी पार्क में हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे पार्टी पर, उससे पहले मामू से भी मिल लेते हैं। वालेकुम सलाम, कैसे आप? सुने मामू कैसे हैं? मैं ठीक हूं। सफर कैसे गुजरा? बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक। आप सुने? ठीक। और आपका जो है सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। और नानी से भी आपके सामने, वैसे हम मिले थे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना, फिर से मिल रहे हैं। और नानी ठीक हो? खुश हो? खुश नहीं है तो हमारे साथ चले। मैं सबके साथ खुश हूँ। आपके बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नानी सारे ठीक। हमजा की तबीयत कैसी है? सारे ठीक है। हमजा का बस वो पाँव का मसला है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो गाइज अभी बस आगे चलते हैं, फिर आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। तो गाइज अभी जो ना हम लोग जो ना पार्टी से निकल चुके हैं वापसी, तो वहाँ पर जो ना क्या बोलते हैं बहुत मजा आया, जैसे कराची गए थे यहाँ पे वैसा मजा आया, और काफ़ी मज़ा है गाइस। वहाँ पर मैं कैमरा मैन आज मैं फिर था सितारा का, और मेरे साथ सुहेल जी, सुहेल भी था कैमरा मैन, तो सभी हम लोग जो है कैमरा मैन बने हुए थे। और मुझे उस चीज़ का फल ये मिला कि एंड में सितारा ने मुझे ये फूल दिया, बहुत कीमती फूल है, बोला इसको संभाल के रखना, नहीं तो ये ना कोई चोरी कर जाएगा। तो ये उस चीज़ का मुझे मेहनत का फल बोलते क्या बोलते हैं, हाँ ये वही है। तो ये मुझे बहुत प्यारा सपने इन दी एंड उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो चलें उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस अभी घर चलते हैं, मुझे फिर से इसी साइड पे आना है, क्योंकि मैंने यहाँ टिकट कराई थी वापसी जाने की, और जो ना क्या बोलते हैं उसके पैसे देने हैं उनको, मैंने कहा कि भाई मुझे ऑनलाइन बता दो, बोल रहे हैं ऑनलाइन हम लोग नहीं लेते, तो उनको पेमेंट ही करनी पड़ेगी जाके।
अभी मुझे फिर इनके घर वापस जाना पड़ेगा, वहाँ से 20 किलोमीटर फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा, मतलब जाना पड़ेगा आना पड़ेगा ऐसा बहुत करना बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो बस ऐसे घर चलते हैं, बाकी आपको चलते वहीं पर। तो गैस अभी रात का टाइम है और हम लोग निकले हैं बाहर, हमें लेनी थी बिरयानी और थोड़ा सामान। तो यहाँ पर ये देखें सारी बारिश फिर से रात के, हमारी मतलब मीटअप पार्टी सब कंप्लीट हो चुकी थी उसके बाद ये शुरू हुआ है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारा मजे सुकून से हो गया। तो उसके बाद अभी भले भाई सारी रात होती रहे उसकी अभी टेंशन नहीं है। और मैंने अपनी टिकट के पैसे देने जाने थे तो उसका भी अभी देखते हैं जुगाड़ कुछ होता है क्या होता है, तो वो सब भी हम लोग करते हैं। खैर फिलहाल आगे हम लोग चल रहे हैं, यहाँ से आगे चलते हैं बिरयानी पकड़ते हैं और वापसी आते हैं घर पे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। गैज हम लोग गए थे कराची बिरयानी पर, लेकिन सीन ये है कि गैज बिरयानी तो बंद है भाई साहब, ये जो ना इस्लामाबाद रावलपिंडी है बल्कि यहाँ इस साइड पर थोड़ा जल्दी बंद हो जाते हैं, क्या बोले भैया। अभी अभी बेटा कुछ और जगह ढूंढते हैं हम लोग। तो गैज अभी हम लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ से यहाँ पर क्या हाउस है भाई, ये देखो कराची टिक्का हाउस, कराची टिक्का हाउस पे हैं और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं खाने पीने का सामान, क्योंकि ना खाना किसी ने खाया था वहाँ पर और बाकी सब कुछ बंद था। बिरयानी तो खैर फिर भी हमें नसीब नहीं हुई है और रात के टाइम अभी फिर से बारिश में तो ये रोड के हालात हैं। तो खैर अभी हमारे यहाँ पर खाना सामने तैयार हो रहा है, खाना तैयार हो जाए तो फिर लेकर हम लोग घर की तरफ चलते हैं और सबके साथ बैठ कर खाना खाते हैं गाइज। अच्छा गाइज मज़े की बात देखेंगे यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कराची टिक्का हाउस और कराची में लिखते हैं कि भी लाहौरी टिक्का हाउस, पंजाब का टिक्का हाउस, ये वो, और यहाँ पर लिखते हैं कच्चा कराची। तो जहाँ पर भी जाओ ना वो दूसरे शहर का नाम लिखते ताकि थोड़ा ना ट्रेंडिंग में आ जाए। गाइज खाना वगैरह खा के ना अभी रात के टाइम हम लोग निकल गए हैं, ये फिर से मैं निकल गया हूँ गाड़ी के ऊपर, क्योंकि गाइज मसला ये है कि मुझे करंटली टिकट, मैंने टिकट तो करा दी थी ऑनलाइन मोड़ पर यहाँ से उल्टे हाथ पे, और जो ना क्या बोलते हैं टिकट मैंने करा ली थी और उन्होंने मुझे कहा था कि अभी 10 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करनी है। अब मैं उनको बोल रहा था कि अभी मुझे ऑनलाइन करने दो पेमेंट भेज दो, बोलते नहीं भाई स्टेशन पे आके मतलब जहाँ पर वहीं पर आके जमा कराओ। तो सीन ये है कि अभी रात के बज गए 1 से 1.30 और मैं सोच रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी कल की हो जाए, क्योंकि पीछे घर के भी मसले ना बच्चे बीमार ये वो, तो सुनना डीडी भी चला गया, तो इसलिए मैं कल की करा लेता हूँ अपनी वापसी की। अभी मतलब कॉल करके मैंने कन्फर्म करा दिया पैसे भरेंगे तो फिर ही होगी, तो अभी बस वहीं चल रहे हैं, अल्लाह करे खुला होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर चले अभी चलते हैं। तो गैज यहाँ पर जो है ना हमारा जो स्टेशन वगैरह था सब कुछ, वो स्टेशन बोल रहा बस स्टॉप जो था वो खुला हुआ था और जो मैं टिकट कराया था वो भी मेरी अभी तक पड़ी हुई थी, 1 घंटा रहता था। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे यहाँ पर किसी जगह पे उसके आस पास में ना किसी जगह पे कोई एटीएम नहीं मिला, तकरीबन गाड़ी घुमाई कितने दूर है, अभी कोई आईटी मार्केट बोलिए कौन सी बोलिए अपनी आईटी कोई ऐसे मार्केट है ये इस्लामाबाद की तरफ, अभी जाके बैंक मिला तो भाई मुझे तो जन्नत की तरह दिखा, लेकिन माने 2-3 किलोमीटर के बाद जाके हमें एक जाके बैंक मिला, वो भी किसी बताया बोलते इधर उधर किसी जगह पे ही नहीं, तो नहीं ऐसा क्यों है, हालांकि जहाँ पे साइड देते ना उसके आसपास बहुत थे, मुझे पता तो मैं वहीं से निकला था। और ये बसों वाले भी भाई साहब जो है ना क्या बोलते हैं ऑनलाइन पैसे नहीं ले रहे, यहाँ पर भी मैंने बोला चलो कार्ड ले लेंगे, यहाँ पर कार्ड भी ले रहे बोले भाई कैश दो। तो खैर जो है अभी काम हो गया, बस पैसे देते हैं और कल निकलते हैं यहाँ से। गाइज हम लोग रास्ता भूल गए अपनी कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, अब भाई देख ले रहा गाइज साहब ने फैजाबाद में यहीं पर जाना सीधा जल्द, तो अल्लाह करे बस एक बार पहुंच जाए हम लोग, चाचा को उस टाइम नहीं उठाया अभी पंचा फिर कहाँ चला गया होगा। तो हम यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सेलिब्रेशन पर भी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से हो गई थी और कंप्लीट एंड सक्सेसफुल, जैसा सीन होता ना वैसा सीन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं बस घर पहुंचने वाला हूँ, मेरी टिकट भी हो चुकी है, तो चलो बच गए बच गए। तो गाइस बस अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी टिकट होगी और जो ना अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और कल जो ना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा दोपहर के टाइम पर, और पार्टी वार्टी पे गए थे मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, सारे आए थे नौशीन सिस्टर मरियम सिस्टर और मतलब सभी लोग ही आए थे जितने थे, और सब कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी और सब कुछ बहुत अच्छा था, तो खैर मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह से। और गाइस मैं थका हुआ हूँ, आज भी मैं उसका सितारा का कैमरामैन बना रहा हूँ, तो मेरा भी लोग मैं देखूँगा पहले मैंने कितना बनाया क्या बनाया तो वो मैं बाद में डाल दूँगा। तो ये जो हमारी रूटीन थी यही थी, नानी से भी मिले थे तो सब कुछ ये इसी के अंदर, तो क्या बोलते हैं मिक्सअप कॉकटेल करके हमें डाल दिया है। चाचा डरा हुआ है कि बोलते भगाओ नहीं भगाओ नहीं, वो देखना मैप सही चल रहा है। हाँ चलो भाई बस गाइस अभी मैं चलता हूँ, आपको मिलता हूँ नानी वाले और इन सब के साथ, कल आपको ना अल्लाह हाफिज़ करते हुए बहुत जल्दी।